गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज सुबह एडिट कर रही हूँ इसी वजह से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। वैसे ये रात का ब्लॉग है, मतलब वैसे बज रहे होंगे 8 या 8:30। यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही है, मतलब रात के खाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं जीरा राइस। थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, पहले सोचा था कि वो जो मैं जैसे पतीले में नहीं बनाती वैसे जीरा राइस बनाऊँ, बट फाइनली फिर डिसाइड किया कि नहीं, कुकर में बना लेती हूँ, जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पर कुकर में जीरा राइस बना रही हूँ, मतलब कुकर में तो सिंपल जीरा राइस बनाती हूँ, मतलब ऐसे ही बस ये डाल देती हूँ, क्या बोलते हैं, तो चावल धो लेती हूँ और उसके बाद उसमें जीरा डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और ऑयल डाल देती हूँ और बस सीटी लगा लेती हूँ। तो ये जीरा राइस यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद मैं थोड़े से बर्तन पड़े थे तो वो बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। सिंक में बर्तन अच्छे नहीं लगते यार, बिल्कुल, मतलब बहुत गंदा लगता है और इतना मेसी लगता है ना सिंक में बर्तन पड़े हुए रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेसी लगता है वो काउंटर टॉप। तो इसी वजह से मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद माही पीछे क्या कर रही है आप लोग सोच रहे होंगे, तो माही बना रही है केक। उसे ऐसा है कि उसको बहुत बेकिंग का शौक़ है और वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है और उसको कुकिंग बेकिंग बहुत शौक है उसको, तो इसीलिए वो अभी केक बना रही है। और अभी देखो रात का टाइम है, मतलब खाने का टाइम है। मैंने उसको बोला भी कि इतने रात को आप केक बना रहे हो, तो नहीं, उसको केक चाहिए था, तो इसी वजह से वो बना लेगी अभी। और उसके बाद मेरे तब तक बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे और मेरा खाना भी साथ साथ बन जाएगा। ये ना कुछ शाम की चाय के बर्तन पड़े थे और उसके बाद ऐसे ही जो प्लेट्स वेट खाने के थे तो वो बर्तन थे, तो इसी वजह से मैंने वो क्लीन कर लिया। और यहाँ पर ये जो है तो वो बार बार क्लीन करती रहती हूँ, नहीं तो उस वो गंदा हो जाता है, क्या बोलते हैं, वो स्टैंड रखने वाला, तो इसीलिए, क्योंकि वाइट है और मेरे जो किचन की थीम है ऑफ वाइट और वो ग्रीन कलर में है, तो इसी वजह से मैंने वो लिया था। बट उसे हमेशा हमेशा क्लीन करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और बस यहाँ पर मेरे बर्तन क्लीन हो चुके हैं, उसके बाद मैं अपना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मतलब अभी राइस तो बन जाएंगे, आज सिर्फ सिंपल सा डिनर होने वाला है, जीरा राइस और क्या बोलते हैं दाल तड़का, तो वही होने वाला है बस। यहाँ पर मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए और ये बना रही है माही केक। ये है माही का केक, ये मेरा जीरा राइस और ये माही कभी भी यार उसको जब मन करता है तब केक बना लेती है। ये ओरियो केक बना रही है माही, तो जब बन जाएगा आपको दिखा दूंगी मैं। और इतने सारे बर्तन क्लीन किए हैं, सारा स्लैब वगैरह क्लीन कर लिया है और अभी खाना, मतलब जीरा राइस और दाल बनेगी, तो दाल मसूर की दाल बनेगी। वो तो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, इससे पहले बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ मैं रेसिपी आपके साथ। कितनी बार खाते हैं हम लोग मसूर की दाल, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है हमें। ये दूसरे वाला लॉकडाउन चल रहा है, अभी दूसरे वाले लॉकडाउन में भी वही खाएंगे ज्यादातर। तो चलिए फिर थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, जब ये केक बन जाएगा तो आपको दिखा दूंगी कि कैसे बनाया। वैसे माही अच्छा ही केक बनाती है, तो ये ओरियो केक बनाया है माही ने, मतलब प्रीमिक्स का नहीं बनाया है, तो प्रीमिक्स का भी बहुत अच्छा बनाती है और बिस्किट का भी बहुत अच्छा बनाती है। तो ये अभी फूल जाएगा तो आपको दिखा दूंगी। क्या बनाया माही ये मुझे पता भी नहीं था इतना से बनेगा ये, मतलब क्यों बना, लेकिन इतना से ये बिस्किट के पैकेट छोटे लाए थे। अच्छा अच्छा, दो ही लाए थे छोटे पैकेट, और फिर बनाने की क्या जरूरत थी मुझे पता भी नहीं। कट करना है क्या, पूरा मुंह खोल के खाना है क्या आपको? कट करना है क्या, कट करना है क्या आपको? वो चाकू आगे लेके रहे, अरे बाप रे, ये चाकू लेके बैठा है। कर नहीं, ये वॉश करो वो वहाँ पर था, किया था क्या? चलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू अद्विक, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे बाप रे, स्पॉन्ज बनाए लेकिन इतना सा है, लेकिन चाकू भी टूट गया। मुझे? हाँ हाँ, आपने बनाया ना। अरे वाह 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 वाह, अरे 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 वाह वाह। हाँ अभी मैं आपको खिलाती हूँ, अभी ला। नहीं ना, मैं दीदी, मुझे खिलाती आप, मैं आपको खिलाता हूँ, आप
मुझे खिलाओ। ठीक है ऐसे करके खाएंगे, ऐसे करके खाएंगे। एक मम्मा को खिलाओ लो। दो मिनट नहीं मम्मा। दो मिनट अभी पापा को देखे आओ। पापा को बोला खुद ने खा लिया। रुको, रुको, रुको। मैं पापा को खिलाऊ। पापा इधर आओ ना। अच्छा है क्या? अच्छा है ना। लेकिन मैं अदीप को क्लियर मार के दूँ। अदीप यहाँ से मार। अदीप तो मजे तुला बरोबर दिखे ले उन्होंने कर। हाँ आता मजे जान से। अरे यार परे वो कहाँ है? अब अबे सीधी जाके उसे जाती ये पद्विक के हैं, ये पप्पा के हैं और मेरे पास कितने सारे हैं। अजी के बता इतने सारे। आज वो रानी भी चली आ। अभी कितने बजे हैं? अभी 11 बज रहे ना। खत्म करो अपना गेम, चलो सोने। अजी के दादी दादी पता कहाँ से मार रहा अजी। हम यहाँ से मारते हैं, अद्विक बीच में से मारता है इधर से उधर से। मेरी तो चली ही जाती। गई। पापा की तो जाती ही। मैं तो ऐसे नीचे देखता और ना देता। मैं तो देखता ही नहीं था जैसे। अरे माजे कहाँ से ना बेटा? क्योंकि हमारी तबीयत खराब है ना, उसके अंदर चली जाती हूँ। उसको मालूम है जिस प्रकार से है पेट में से। उड़ जाती। ठीक हो जाती। ठीक हो जाती। कितना जोर जोर से कर रहे हैं पापा। इसमें क्या क्या डाला है बताओ ना। ये इसमें डाला है ये चूर्ण, 2 कप पानी। दो कप पानी और उसके बाद उसमें ये मधु यष्टि चूर्ण मुलेठी वाला और फिर उसके बाद जेंट्स का काढ़ा कौन सा है? जेंट्स का काढ़ा नहीं रहता। यही जेंट्स का और यही लेडीज का। नहीं फिर ये लेडीज का है, ये दूसरा है। और आपके लिए हम मीठा लेके आएंगे। हमारे लिए हम कड़ू कड़ू लेके आएंगे और मैं पी लूंगा और मैं उस पर पानी पी लूंगा। अच्छा ठीक है। और इससे क्या होता है? और उससे इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती। अच्छा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती। क्या क्या डाला है इसमें अभी? ये अदरक का रस और ये मुलेठी पाउडर 1 चम्मच है ना। 1 चम्मच दो कप में 1 चम्मच और उसके बाद ये अदरक का रस इतना और उसके बाद उसमें डाल देंगे और क्या क्या करेंगे बाकी है अभी देखो। अच्छा और हाँ मेरी टेस्ट ना मुंह की टेस्ट इसी की वजह से आ गई। मतलब जैसे कि अभी तबीयत खराब थी तो ऐसा लग रहा था कि खाना ही नहीं खाऊं मैं, लेकिन इससे भूख भी लग रही है और उसके बाद टेस्टी भी लग रहा है खाना। इसके बाद इसमें क्या डालना है? नींबू 2 कप पानी डाला है तो इसका 1 कप होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब कम होके बॉइल होने के बाद। और उसके बाद ये जूस डाल देंगे। इसमें बीबी है तो देखिए आप पूरा तैयार होने के बाद भी बड़ा हो के आपके लिए काढ़ा बनाऊंगा। अरे बाप रे, जैसे पापा बना रहे हैं। अच्छी सोच है दीदी। मैं देख रहा हूँ। देखो रेसिपी सीख लो अभी। ठीक है सोच बहुत अच्छी है। जब मैगी बना रही तो मेरे पास में आ जाता है वो। सीख भी जाता है और मैं पास्ता भी सीख जाता हूं। क्या क्या बना के खिलाओगे मुझे? सीख गए। अच्छा बिना रेसिपी देखे केक सीख गए। हो गया रेडी हमारा काढ़ा। ये मैं पीऊंगी और ये पियेंगे। लो बनाया आपने और मैं आपको दे रही हूँ। आपका दूध ले लूँ ना आप? हाँ। टेस्ट अजीब लग रहा है ना। नारी अपने लिए दूध, अपने लिए और अद्विक के लिए। यहाँ पर अद्विक पी रहे काढ़ा। क्या पिला रहे हो उसे? कैसा है? कैसा है?
अच्छा है और लो भी अच्छा है टेस्टी है अच्छा है जबरदस्त है अच्छा है अच्छा हो गया मैं बड़ा हो गया मुझे किसने हुआ नाजिब लग रहा है ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है थोड़ा सा ठंडा होने के बाद पीती हूँ ये ना थोड़ा सा ठंडा होने के बाद एक घूट में पीना चाहिए नहीं फायदा तो वैसे ही होगा ना सेम सेम करते गरम चीज जैसे आप चाय पीते हो तो गरम अच्छा लगता है ठंडा अच्छा लगता है वो तो गर्म ही अच्छा लगता है स्पाइक अभी दूध मत दो उसे क्योंकि अभी उसने वो काढ़ा पिया ना आप ले लो उसके लिए दूध थोड़ी देर के बाद मतलब सोने के टाइम पे दे देना अजीत तो सोप भी खा रहा है उसका भी मुंह खराब हो गया आपका भी मुंह खराब हो गया नहीं काढ़ा पीने की वजह से हो गया होगा काढ़ा पीने की वजह से मुंह उल्टा अच्छा हो जाता है क्या देख रहे हो अरे उसमें मेरा वो एप्पल साइडर विनेगर है हाँ दूसरी बॉटल मंगा ली थी मैंने वो खत्म होने पर आई ना इसी वजह से क्या डाला है हल्दी वाला बोनविटा वाला हल्दी वाला लिया करो जैसे हम लोग ये वाला काढ़ा लेते वैसे ही आप हल्दी वाला टेस्ट का नहीं हल्दी वाला लिया करो अभी मुझे आपके पास आने दो ना क्या है अद्विक की हेयर कट करा के लाई थी ना ये देखो हमेशा गांव जाते हैं तो हेयर कट करा के लाते हैं मुझे भी पूछा नहीं गांव से ही हेयर कट होती है अद्विक की तो वहाँ का जो वो है ना पार्लर मतलब पार्लर क्या बोलते हैं जेट्स पार्लर ही हाँ तो कटिंग वाले भैया तो वो बहुत अच्छा करके देते हैं इसकी और और लेकिन ये वहाँ पर बैठता भी अच्छे से इसी वजह से डर नहीं लगता पहले से ही नहीं डरते हो आप तो चलिए सो जाती हूँ इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक चिपका के ही जाना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसके साथ दो और चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय